नमस्कार दोस्तों, तैयारी गवर्नमेंट जॉब की में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं लाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कि रेलवे ने आरटीआई का क्या रिप्लाई दिया है, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर हमने उनसे सवाल किया था आरटीआई के माध्यम से। तो इसकी सारा डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या हमें बताया है आरटीआई के माध्यम से, जो मैंने उनसे पूछा था। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपके स्क्रीन पे ए आरटीआई का क्वेश्चन दिख रहा है, जो मैंने रेलवे से पूछा था कि इफ अ कैंडिडेट फिल्ड फॉर्म ऑफ सेंट्रल नोटिफिकेशन 01/2018 इन पटना रीजन एंड ही इज डोमिशियल ऑफ कर्नाटका, देन इन विच सिटी ही सेंटर फॉर एग्जाम विल बी अलोकेटेड। मतलब अगर एक बंदा वो पटना का है और वो कर्नाटका रीजन में अपना फॉर्म भरता है तो वो उसका सेंटर कहाँ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने रिप्लाई दिया है, रिप्लाई अटैच्ड एज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट आप लोग के सामने खुलता है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए हम इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से बताते हैं उन्होंने क्या हमें रिप्लाई दिया है। तो रिप्लाई में सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा है, द रिक्रूटमेंट फर्स्ट फॉर द पोस्ट ऑफ नोटिस अंडर सेंट 01/2018 इज एट टू बी कंप्लीटेड। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने को है एंड द सेम विल बी कम टू फाइनलाइज ओनली ऑन पब्लिकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट पैनल। और ये जो रिक्रूटमेंट पैनल के ये कम विल फाइनलाइज और इस फाइनलाइज होगा ओनली ऑन पब्लिकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट पैनल। और सेकंड पॉइंट उन्होंने रखा है हम लोग के सामने, ऑल द रिवलेंट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एलिजिबिलिटी, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, कॉल लेटर्स, एडीसी आर बीइंग प्लेस्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीएस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब कि सारी चीज जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, सिर्फ टाइम, कॉल लेटर एक्सेट्रा, जो है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हमें सूचित किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में उन्होंने हमें लिखा है, अनलेस द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड नो इन्फॉर्मेशन कैन बी फाइनलाइज, सिंस इट नॉट ओनली वाइटस द सिलेक्शन प्रोसेस बट आल्सो रिजल्ट्स इन डाइवर्जेंस ऑफ द लिमिटेड मैन पावर एंड नो पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सॉल्व। उन्होंने कहा जब तक कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसके अलावा हम कुछ और आपको जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जो कि एग्जाम की गोपनीयता के मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया है, यू मे काइंडली अप्रेयर द सिनेरियो ऑफ द सबमिट। मतलब क्या कि आपने हमें रिक्वेस्ट किया आरटीआई के लिए, उसके माध्यम से उन्होंने बताया। तो यहाँ पे फाइनलाइज में इसका ओवरव्यू बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें रिप्लाई में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दी है, सिर्फ यही बताई है कि डेट एग्जामिनेशन जो एक्सेट्रा है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली अपडेट होता रहेगा। और इसकी विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही दे पाएंगे। उन्होंने हमें इस आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि ये वीडियो लाने का मकसद ही मेरा यही था कि आप लोग जान पाए कि रेलवे ने हमें क्या आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई दिया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर। तो चलिए, आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको ये वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। जी हाँ, और इस वीडियो को जितना हो सके आप सोशल नेटवर्क पर शेयर करें ताकि सभी भाई बंधु लोग जान सके कि रेलवे ने हमें आरटीआई के माध्यम से क्या रिप्लाई दिया है डिफेंस। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।